आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अलग अलग ऑपरेशंस यानी अभियान जो समय समय पर भारत की सरकारों ने चलाए। ये अभियान थे संबंधित बचाव कार्यों के लिए या राहत कार्यों से संबंधित, भारतीयों को बचाने के लिए तथा विदेशी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको सहयोग करने के लिए। कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ गई उसमें, या फिर युद्ध हुए हैं तो युद्धों में से लोगों को निकालो, उससे संबंधित है। सबसे पहला हुआ है, देखिए जो मेन मेन अभी है वो मैं बता रहा हूं, कुवैत एयरलिफ्ट 1990 में। जो बच्चे करंट पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन अपने माता पिता से पूछिएगा, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था तो बहुत भयावह स्थिति थी। कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक करा, भारत के 1,70,000 लोग वहां काम करते थे। उस समय भारत सरकार ने ये मुहिम चलाई कुवैत एयरलिफ्ट, फिल्म भी बनी इसके ऊपर, अक्षय कुमार ने फिल्म बनाई थी रियलिटी वाली एयरलिफ्ट। तो 1,70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया था बाई एयर कुवैत एयरलिफ्ट। फिर उसके बाद हो गया जी ऑपरेशन राहत, 2015 में हुआ, लेकिन उससे पहले हो गया था ऑपरेशन सुकून 2006 में। ये जो ऑपरेशन सुकून था ये 2006 में हुआ, जुलाई महीने में इसराइल और लेबनान की लड़ाई हुई। उस समय भारत के लोग वहां रहते थे, तो उस संघर्ष में अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ये ऑपरेशन चलाया। 2280 लोगों को बचाया गया, 2280। नेपाल और श्रीलंका के लोग भी थे इसमें जिनको बचाया गया था 2006 में। फिर 2011 में ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, या बोल सकते हैं इसको सेफ होम कमिंग, ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लीबिया में गृह युद्ध शुरू हुआ 2011 में। ये जो युद्ध हुआ उस समय भारत के लगभग 15,000 नागरिकों को वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी 2011 में, और भारत की वायुसेना और नौसेना दोनों ने मिलकर के इस जिम्मेदारी को निभाया और 15,000 से अधिक नागरिकों को बचाया। लीबिया का जो गृह युद्ध था उसमें से वापस लेकर के आया। 2015 में नेपाल में आया हुआ था भूकंप, उस समय नेपाल के सहयोग के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया, केंद्र में मोदी सरकार है उस समय भी थी। नेपाल में भूकंप के लिए मैत्री ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 5,188 लोगों को निकाला गया, यानी 5,188 लोग बचाए गए, उसमें से 785 विदेशी पर्यटक थे। उनको भारत का वीजा उनके पास था नहीं, उनको दिया गया उसी समय और उनको घरों में भेजा गया। ऑपरेशन मैत्री में भारत ने बचाव कार्यों में भी भाग लिया, राहत कार्यों में भी नेपाल में सहयोग किया। फिर आया जी ऑपरेशन राहत, ये भी 2015 का ही है। इसमें यमन में संकट हुआ, यमन में टेंशन हो गई, उस समय भारत की वायुसेना और नेवी दोनों ने मिलकर के 4,640 लोगों को, 4,640 लोगों को बाहर निकाला, बचाया, घर पहुंचाया, और 960 विदेशी लोग थे जो 41 देशों से संबंधित थे, 41 कंट्रीज। इस ऑपरेशन राहत में उन नागरिकों को भी बचा करके घरों में भेजा गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन आया ब्रसल्स, ब्रसल्स में मुसलमान जो इसका आतंकवादियों ने अटैक किया था, वहां पे हवाई अड्डे तथा मेट्रोस सारे घेरे गए थे। भारत के लगभग 242 नागरिक थे जिसमें जेट एयरवेज के 28 क्रू मेंबर्स थे। इस पूरे ऑपरेशन में उन्हें उन सबको बचाया गया और भारत में वापस लाया गया। इसके बाद हुआ वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन 2020, ये कोरोना काल का मिशन है। इसमें लगभग 60 लाख
भारतीयों को वापस लाया गया। कितना? 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया है विदेशों से कोरोना काल में। और उसी दौरान समुद्री रास्ते से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने की जिम्मेदारी थी। तो लगभग 4000 नागरिकों को समुद्री रास्ते से भारत की सरकार विदेशों से भारत वापस लाई। कब? कोरोना काल में। फिर ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ। कब? जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ फरवरी महीने की 24 से, और ये जो बचाव कार्य है ये 26 फरवरी 2022 से शुरू हुआ। लगभग 20,000 भारतीय छात्र बचाए गए हैं, वापस लाए गए अपने देश। अब इस ऑपरेशन में सिर्फ भारत के छात्र ही नहीं बचे, आपको पता है पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के बच्चे भी अपनी गाड़ियों के ऊपर भारत का तिरंगा लगा करके आते थे और बचे हैं। अपना रास्ता उन्होंने, अपना जीवन भी बचाया है। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी जो भी रिसेंटली चल रहा है, ये सूडान में युद्ध है, वहां भी एक गृह युद्ध की स्थिति है, वहां से 4000 भारतीयों का बचाव करना है, ये ऑपरेशन उससे संबंधित है। इसमें भारतीय सेना और सरकार पूरी हिम्मत के साथ, जद्दोजहद के साथ लगी हुई है, और ये भी एक सफल ऑपरेशन होगा ऐसी आशा है।